तेरे यार के ओ कात बार रे छोरा राव साहब के मजाक थोड़ी है रे जोन सा बीमार है बेटा हाथ लावेगा। तो भाई साहब इल्विश यादव ने सरेआम जयपुर के रेस्टोरेंट में एक बंदे को थप्पड़ मार दी, वो भी जोर से थप्पड़ मार दी और वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो चुका। आखिर इल्विश यादव ने क्यों थप्पड़ मारी, उसके बाद इल्विश यादव ने क्या बोला, मैं आपको सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ। आखिर रीजन क्या था और ये रीजन जानने के बाद कहीं ना कहीं आप भी शॉक में पड़ सकते कि आखिर सरेआम इल्विश यादव के साथ उस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया था। तो चलिए मैं आपको फटाफट दोनों भी वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यार आप वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं याद हो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, इल्विश यादव ने सरेआम पुलिस वालों के सामने उस बंदे को थप्पड़ मारी, जयपुर के रेस्टोरेंट का ये वीडियो बताया जा रहा और उस पर इल्विश यादव क्या बोलते हुए नजर आ रहे वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी लेंगे, ऐसे में आपसे भी सोच रहे हैं कि इल्विश यादव ने सरेआम पुलिस वालों के सामने आके थप्पड़ क्यों मारा, कि अपनी पावर अपनी ताकत बताई। तो आप सुधा दो, उस बंदे ने कुछ ऐसा बोल दिया था शायद आप भी ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही करते, क्योंकि इल्विश यादव के जब इल्विश यादव जा रहे थे इल्विश यादव के माँ बहन पे वो गाली दे रहा था बंदा, कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहा था और इल्विश यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ, इल्विश यादव ने वहाँ पे जाके उसे थप्पड़ मार दिया। और कहीं ना कहीं किसी की माँ को अगर आप गाली देंगे बहन को गाली देंगे वो भी आमने सामने तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, और इल्विश यादव से भी बर्दाश्त नहीं। और इल्विश यादव ने उस पर क्या बोला मैं आपको सबसे पहले वो भी छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, आप सबसे पहले वो भी वीडियो देख लीजिए। भाई देखो मैटर ये है, ना मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाली देता देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया, ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो, ऐसा ही हूँ मैं। मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बकी तो उसने मैंने उसको दे दिया, मैं अपने स्टाइल में, वो मुंह से बोलता हम मुंह से नहीं बोल पाते। तो जैसा कि आपने इल्विश यादव की ये भी रिकॉर्डिंग सुनी ली, इल्विश यादव ने क्या बोला, आप सबसे पहले तो कई सालों समझ रहे होंगे कि मैं इल्विश यादव की साइड ले रहा हूँ, इल्विश यादव की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं भाई, जो है वो हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप किसी माँ बहन को मतलब किसी के माँ बहन पे सामने से गाली देंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, कुछ ना कुछ तो एक्शन करेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उसका उल्टा के जवाब तो देगा। अब इल्विश यादव ने कुछ मार के जरिए दिया, कोई गाली के जरिए दे सकता था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जो इल्विश यादव ने किया वो सही किया गलत किया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर जरूर फैलाइए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।